नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं हूं आपके साथ करतार सिंह। एक बड़ी अपडेट, बड़ी खबर हम आपको बता देंगे कि विधानसभा जाने से पहले यूडीएच मंत्री जाबर सिंह से हमारे संवाददाता ने अवैध निर्माण को लेकर बातचीत की, तो यूडीएच मंत्री ने साफ तौर पर कह दिया कि आज यही मुद्दा विधानसभा में उठाया जाएगा। उसी को देखते हुए यूडीएच मंत्री जाबर सिंह ने मुद्दा विधानसभा में उठाया और जितने भी अवैध निर्माण है उनको 72 घंटा के अंदर सीज करने के आदेश दिए। यानी कि 72 घंटे में अगर अवैध निर्माण को सीज नहीं की जाती है, अवैध निर्माण पर कार्रवाई नहीं की जाती है, तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कहा यूडीएच मंत्री ने, आइए सुनवाते हैं। शिकायत प्राप्त हुई है जिसकी प्रारंभिक जानकारी करने पर उन शिकायतों में सत्यता प्रतीत होती है। अब मैं घोषणा करता हूं कि राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, क्योंकि विभिन्न विभाग आ गए, इसमें नगरीय विकास आ गया, स्वास्थ्य विभाग आ गया, राजस्थान माइंस एंड मिनरल्स आ गया, राज्य के मुख्य सचिव अपनी निगरानी में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर आने वाले 4 या 5 सप्ताह में इसकी विस्तृत जांच करवाकर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करें। दूसरा, सुनिए साहब, अभी तो दूसरा, बिना निर्माण स्वीकृति के जितने भी निर्माण हुए हैं संबंधित 72 घंटे में उन्हें सीज करें। जैसे हम आपको बता दें कि ऐसे अवैध निर्माण को लेकर जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन 8 में अवैध निर्माण भरपूर तरीके से किए जा रहे हैं। बाढ़ की स्थिति में अवैध निर्माण आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मोहना मंडी रोड, जो कि ये एक आवासीय प्लॉट है, मोहना मंडी रोड बरसाना पैलेस के पीछे बहुमंजिला होटल का निर्माण किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये जो फुटेज आप देख रहे हैं, ये 5 मंजिल होटल का निर्माण है। आखिरकार ये अवैध निर्माण बिना जयपुर विकास प्राधिकरण की अनुमति कैसे तैयार हुआ? क्या जोन के अधिकारी जोन में नहीं आते? ये यूडीएच मंत्री ने साफ तौर से कह दिया कि 72 घंटे के अंदर अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जाएगी। हम आपको बता दें, बरसाना पैलेस के पीछे का हमने आपको नजारा दिखाया, होटल का निर्माण, वही जोन 8 के अंदर सांगानेर दादा की दुकान, यानी कुमावतों की ढाणी, कृषि भूमि यानी कसरा नंबर की जो जमीन है उस पर प्लॉटिंग कर दी जाती है और दुकानों का निर्माण और फैक्ट्रियों का निर्माण किया जा रहा है बड़े धूमधाम से। हम आपको बता दें कि जोन के अधिकारी लगातार अवैध निर्माणों पर कार्रवाई कर रहे हैं। आखिरकार ये 2-3 ऐसे अवैध निर्माण है जो हम आपको बता दें कि जो कृषि भूमि है यानी जो कसरे की भूमि है उस पर कॉमर्शियल फैक्ट्रियों के निर्माण किए जा रहे हैं। आखिरकार जोन प्रवर्तन अधिकारी यह क्यों नहीं कर पा रहे कार्रवाई? मोहना मंडी रोड बरसाना पैलेस के पीछे की साइड क्यों नहीं कर पा रहे इस होटल पर कार्रवाई? हम आपको बता दें कि तमाम ऐसे निर्माण, पासुनाथ नारायण सिटी, जो कि मोहना मंडी गेट के सामने ये कॉलोनी है, पासुनाथ नारायण सिटी जोन 8 के अंदर है, इसमें तमाम अवैध निर्माण ऐसे हैं जो बहुमंजिले निर्माण किए जा रहे हैं, यानी 5-5 मंजिल के निर्माण है। आखिरकार जोन प्रवर्तन अधिकारी क्यों नहीं कर पा रहे इस अवैध निर्माणों पर कार्रवाई? हम आपको बता दें, यूडीएच मंत्री ने विधानसभा के अंदर गंभीरता से सवाल उठाया और गंभीरता से ये बात रखी है कि अवैध निर्माणों को 72 घंटे के अंदर सीज किया जाएगा। आखिरकार ये यूडीएच मंत्री के मुंह जवानी सवाल रह जाएंगे या अवैध निर्माण पर कार्रवाई होगी? देखिए अगली खबर में बड़ी रिपोर्ट।